स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। सो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देख लें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो है कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और दूसरे नंबर पे आयल्स, तीसरे नंबर पे ऑफर लेटर किसी भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट कनाडा से, चौथा आपका GIC सर्टिफिकेट, और पांचवा आपका फ़ीस स्लिप जो आप फीस अपनी भरते हैं कनाडा के अंदर, और सिक्स्थ है मेडिकल स्लिप अपनी जो आप मेडिकल कराते हैं, और सातवां है आपका कवर लेटर या SOP कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप क्यों जाना चाहते हैं। तो इन सब के बारे में दोस्तों आगे बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों एजुकेशनल में आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और या इससे अलावा आपने जो भी हाईएस्ट डिग्री या ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी कर रखा है वो सब लगते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते अगर आप पेपर अप्लाई कर रहे हैं, पेपर एप्लीकेशन, उसकी जगह आपके फ़ोटो स्टेट्स जो कि नोटरी अटेस्टेड होती हैं किसी भी कोर्ट से वो जाती हैं। और ऑनलाइन में दोस्तों आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आगे आ जाते हैं आयल्स की बात। आयल्स अगर आपके पास नॉट लेस देन 6 बैंड्स हैं, ओवरऑल आपके 6 से भी ऊपर हों तो चल जाता है, आपकी फाइल्स लग जाती हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। एम्बेसी आपसे आयल्स डिमांड नहीं करती, लेकिन आपको फिर भी आप साथ में लगाना पड़ता है, और इसी के बेस पे आपका ऑफ़र लेटर आता है जो कि उस आगे बात करेंगे उसकी। अब ऑफ़र लेटर कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, आप किसी भी DLI इंस्टीट्यूट से, आप कनाडा के अंदर जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपने स्टडी कर रखी है उसके रिलेटेड आप अपना कोर्स ढूंढिए ऑनलाइन, उस जो आपको कॉलेज पसंद आता है उसके स्टूडेंट पोर्टल होता है उसके ऊपर आप अपना साइन अप करके लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड स्कैंड किए हुए हैं उसके ऊपर आप अपलोड करेंगे तो आपका ऑफ़र लेटर अप्लाई हो जाएगा। वहाँ पे जो भी आपकी फ़ीस होगी वो चार्ज कर लेंगे। अगर कई कुछ ऑफ़र लेटर्स फ्री भी होते हैं तो आप फ्री में भी आप ऑफ़र लेटर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका मेल के ऊपर आ जाता है ऑफ़र लेटर, उसका प्रिंट लेके आप बाकी एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर तो सकते आगे हैं। और आता है दोस्तों GIC सर्टिफिकेट, ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि आपको या तो स्कोशिया बैंक प्रोवाइड कराता है या फिर ICICI बैंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कोशिया बैंक के लिए आपको साइन अप उनकी वेबसाइट पर जाके साइन अप करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे ओपन GIC अकाउंट, तो सबसे पहले आ जाएगा स्टूडेंट GIC प्रोग्राम, इसके अंदर आपको क्लिक करना है, और इसके ऊपर आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं उन्होंने कि आपको क्या क्या चाहिए, और उसके उसके अंदर एक नीचे जैसे आप नीचे जाएंगे इसके अंदर आपको बताया हुआ कि कितने डॉलर्स आपको सबमिट कराने हैं, कितने डॉलर्स आपको मिलेंगे। उस सबमिट योर एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आती है इसकी गाइड, जो कि PDF में डाउनलोड हो जाती है, और उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है जो भी आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो अगर आप जैसे ही नीचे इसके क्लिक करेंगे तो ये मेन वेबसाइट खोल देगा। यहाँ से आपका स्कोशिया का आपका अकाउंट खुल जाएगा, जैसे ही आप इसको आगे आगे डिटेल्स प्रिंट वो करेंगे, फिल करेंगे अपनी, और इसका आपने प्रिंट ले लेना लास्ट में। तो जो आपका ये बैंक अकाउंट आएगा इसके अंदर आपका मेल के ऊपर आ जाएगा अकाउंट, जो आप मेल डालेंगे, ईमेल डालेंगे अपनी, वो ईमेल पे जो अकाउंट आएगा उसके अंदर आपने बैंक में जाना है अपना, कोई भी बैंक है जो आपका इंडिया के अंदर, वहाँ से उस अकाउंट में, स्कोशिया बैंक के अकाउंट में अपने वायर ट्रांसफ़र कराना है। तो उधर से जो ट्रांसफ़र होने के बाद जो सर्टिफिकेट आएगा वो आपने अपने फाइल के अंदर इंक्लूड करना है, उसको कहेंगे आप GIC सर्टिफिकेट। और जो ICICI बैंक के लिए उसका आसान है, आप ICICI किसी भी इंडिया के अंदर जाएंगे तो अगर आपका खाता खुलवाएंगे उसके अंदर तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, कनाडा के अंदर ही सेम अकाउंट खुल जाएगा, आप अपने पैसे उधर ट्रांसफ़र कराएंगे तो उधर से आपको GIC अगर सर्टिफिकेट दोस्तों मिल यहाँ जाएगा। तक आ गए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें, और पूरी वीडियो देखें, आगे भी आपको लिए जानकारी होगी।
तो दोस्तों आगे आता है मेडिकल। मेडिकल के लिए आप किसी भी जो ICCRC का एम्पैनल्ड ऑफ हॉस्पिटल है जो इंडिया के अंदर, उसके अंदर आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। और उसके लिए आपको ऑफ़र लेटर ज़रूरी चाहिए होगा और आपका पासपोर्ट मस्ट होगा, वो लेके आप जा सकते हैं। उसके लिए सबसे आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जो आप फ़ोन पे ले सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि किस दिन आना है और आपका उस दिन मेडिकल हो जाएगा। तो जो मेडिकल में आपको वो मेडिकल होने के बाद जो स्लिप देंगे वो आपकी फ़ाइल के अंदर लगेगी। जो मेडिकल की रिपोर्ट्स होंगी वो डायरेक्टली आपकी कनाडा एम्बेसी के अंदर जो आपका फाइल लिंक होगा उसके साथ चली जाती हैं। तो दोस्तों लास्ट में आता है कवर लेटर या SOP, इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ लास्ट में लगाया, लेकिन ये जो फाइल सबमिट करते हैं तो सबसे पहले यही लगता है। इसमें बेसिकली दोस्तों आपको वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना होता है कि हाँ, हम केस स्टडी करने के बाद वापस इंडिया आएंगे, वहीं नहीं रह जाएंगे या फिर वर्क परमिट नहीं लेंगे वहाँ पे। और ये भी लिखना होता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, कि आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया आपने और कनाडा ही क्यों चूज़ किया। तो दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास होते हैं तो आप अपना GCK अकाउंट के अंदर लॉगिन करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करके फाइल लॉज कर सकते हैं। वहाँ आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है जो कि $235 होती है, बायोमेट्रिक और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस मिलाकर। दोस्तों एक इसमें SOP और आपका ऑफ़र लेटर को छोड़कर सबके सब नोटरी या टेस्टेड फ़ोटो स्टेट्स आपकी अपलोड होती हैं, और ये सबके सब GCK के थ्रू होती है। अगर आपको नहीं पता कि GCK क्या होती है तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो GCK के ऊपर आपको अगली वीडियो मिलेगी जो कि प्रैक्टिकल होगी इसका डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि आपको कैसे अप्लाई करना है GCK के ऊपर ऑनलाइन। तो दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कनाडा जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पर। थैंक यू।